नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लेवल्स और टारगेट भी बात करेंगे और कंप्लीट डिटेल में इस स्टॉक के बारे में बताएंगे। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसके लेवल्स और टारगेट को जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप गलत लेवल्स पर इसमें बाय करते हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत आने वाला है। जैसे आरती ड्रग्स, मैंने बताया था कि 750 पर वो सपोर्ट ले सकता है, 750 पर वो सपोर्ट तोड़ चुका है। आप देख सकते हैं 650 पर आ चुका आरती ड्रग्स, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दूसरा सपोर्ट बनता है 500 के आसपास, तो इसलिए अभी आपको 500 और 750 के बीच में बाय नहीं करनी चाहिए आरती ड्रग्स। इसलिए हम सारे स्टॉक्स को यहां पर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होनी चाहिए उस स्टॉक का। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करें HDFC, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। HDFC बैंक, HDFC AMC, HDFC लाइफ, ये HDFC ग्रुप के काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। जब भी अच्छे लेवल्स पर मिले आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर देखिएगा तो ये देख लीजिए मिनट चार्ट है और यहाँ पर हम फिर 30 मिनट चार्ट करते हैं। तो मिनट चार्ट, 30 मिनट चार्ट, मतलब कितना भी मिनट में चार्ट हो तो इसका प्राइस दिख रहा है आपको, लास्ट प्राइस 2022 रुपीज। लेकिन जैसे यहाँ पर डेली चार्ट करेंगे तो ये जो स्टॉक है आज 100 रुपीज ऊपर मूव किया है, 100 रुपीज का मोमेंटम आज दिया है 5% से ऊपर का। तो यहाँ पर जैसे ये सपोर्ट तोड़ता है, रेसिस्टेंस अपना तोड़ता है यहाँ पर ऊपर का 2100 रुपये का, उससे ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मोमेंटम मतलब एक बड़ा रैली इस स्टॉक में आपको देखने मिल सकता है। लेकिन जैसे डेली चार्ट करते हैं तो इसका स्टॉक का प्राइस जो है आपको लास्ट प्राइस 1923 रुपये दिखेगा, इसलिए मैंने इसको 30 मिनट चार्ट पे आपको दिखा रहा था। यहाँ पर देख लीजिए तेज गिरावट था और यहाँ से उतना ही तेज बाउंस बैक इसमें आज देखने मिला, जबकि आज रिलायंस जो है 8% ध्वस्त हो चुका है। रिलायंस का स्टॉक 8% की गिरावट है, जबकि इस स्टॉक में देखने 5% से ऊपर की तेजी है। तो दोस्तों आज मार्केट कुछ गजब ही था, किसी स्टॉक में बहुत ही तेज गिरावट, किसी में काफी तेज मतलब काफी तेजी देखने मिला। यहां पर डेली चार्ट करते हैं, देखिए इस स्टॉक में आपको दिखेगा कि जहां का प्राइस वही है। तो यहां पर देख लीजिए अभी तो मैंने डेली चार्ट लगाए तो ये 2040 रुपीज दिखा रहा है, लेकिन जैसे हम इसमें पहले कर रहे थे तो ये जो है गलत प्राइस दिखा रहा था, 1923 रुपये दिखा, अब ठीक है प्राइस। चलिए तो ये आपको मतलब अपडेट करते समय ये प्राइस ठीक हो चुका है, तो चलिए काफ़ी अच्छी बात है। पहले हम कर रहे थे बार बार ये प्राइस 1923 रुपये दिखा रहा था, तो अब काफ़ी अच्छा है। यहाँ से जैसे ये 2100 रुपये के पार करता है एक तेज मूवमेंटम आपको देखने मिल सकता है और अगला जो टारगेट होगा वो सबसे पहले होगा 2300 रुपये के आसपास, 2300 रुपये के आसपास तक मूवमेंटम यहाँ से दिखा सकता है जैसे 2100 का पार करेगा, और अगर आगे भी कंटिन्यू रहता है तो फिर आपको 2500 तक का प्राइस देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये है बेहतरीन स्टॉक्स और इसके हमने टारगेट की तो बात कर दिया, और यहाँ पर बात करें सपोर्ट का तो दोस्तों अभी तो इसका जो कैंडल है देखते हैं, एक दिन मतलब रेड कैंडल बनाता है, दूसरे दिन ये ग्रीन कैंडल बनाता है, तो काफ़ी वोलेटाइल ये स्टॉक्स है। तो स्टॉक्स जो है काफ़ी वोलेटाइल है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका बनता है 1900, और 1900 पर सपोर्ट बनता है पहला, और उससे नीचे का भी आता है तो आपको इसका जो सपोर्ट होगा वो 1750 देखने मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा 1750 के आसपास ही ये ऊपर नीचे मतलब मोमेंटम करता रहा है। तो उसके बाद वीकली चार्ट पर देखिएगा स्टॉक्स जो है अभी पैंडमिक में जो गिरावट आया तो फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिला, उसी कारण ये स्टॉक भी आपको देखते हैं काफ़ी अंडर परफॉर्म दिख रहा है। नहीं तो आप वीकली चार्ट पर देखिए ये स्टॉक काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक का चार्ट है। देख लीजिए आपको वीकली चार्ट पर हम दिखाते हैं इस स्टॉक का चार्ट, तो देख लीजिए ये स्टॉक्स लगातार बुलिश है, आप देखते जाइए ये स्टॉक्स लगातार बुलिश है, कभी भी अपना पीछा का लो ब्रेक नहीं किया है वीकली चार्ट पर, देख सकते हैं कभी जो एक लंबे समय में अपना जो वीकली चार्ट पर प्रीवियस लो है ब्रेक नहीं किया, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक किया था देखते हैं यहाँ पर, लेकिन इसी के आसपास ये सपोर्ट लेता मिला, मतलब पिछले 2004 से ही ये स्टॉक लगातार बुलिश है। और अगर हम बात करें कि 2009 से ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि 2009 में भी काफ़ी गिरावट आया था मार्केट में, तो 2009 से एक बात करें तो लगभग ये एकदम स्ट्रॉन्ग रूप से बुलिश है। देख सकते हैं इसका चार्ट जो लगातार अप ट्रेंड में है, 2009 से देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये। अब यहाँ पर बात करें RSI का, तो RSI भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर देखते हैं 60 पर ये RSI जो है सपोर्ट ले रहा है, अगर 60 को क्रॉस करता है तो
आपको यहाँ तेज मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो RSI इंडिकेटर को भी फॉलो कर सकते हैं, या सबसे अच्छा होगा कि आप इस चार्ट को फॉलो करें। चार्ट पर स्टॉक्स काफ़ी सॉलिड है, बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छी है, HDFC ग्रुप का स्टॉक है, तो जो ग्रुप ऑफ कंपनी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, तो मैनेजमेंट भी आपको काफ़ी सॉलिड यहाँ पर देखने मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस का, तो चलते हैं इसके वैल्यूएशन पर। तो वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो ये है 3,66,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका डिविडेंड देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 1050% का डिविडेंड है, फेस वैल्यू इसका 2 है और इसका डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है, तो डिविडेंड यील्ड देखते हैं काफ़ी शानदार है। अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है, 98 रुपीज है। तो दोस्तों ये सारे मतलब खूबियाँ इस स्टॉक में, कॉर्पोरेट एक्शन पर जाकर के आप कब कब कंपनी ने बोनस दिया वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर डिविडेंड देख लीजिए, एक साल में कंपनी 3-3 बार डिविडेंड दिया है, 2019 में, 2020 में भी कंपनी एक बार डिविडेंड दे चुका है। बोनस की बात करें 2002 में एक बार कंपनी ने बोनस दिया, उसके बाद स्प्लिट पर देखिएगा स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है 2010 में। तो इस बोनस और स्टॉक स्प्लिट से आपका नंबर ऑफ टाइम्स जो है स्टॉक काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स का स्टेक बिल्कुल जीरो है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये जो कंपनी है ये ज्वाइंट वेंचर है, मतलब ये कंपनी जो है HDFC ग्रुप का है, तो जिसमें HDFC बैंक का काफ़ी अच्छा स्टेक होगा, और इस कंपनी का जो HDFC MC है वो इसका ज्वाइंट वेंचर है HDFC बैंक और HDFC मतलब हाउसिंग फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो HDFC बैंक और HDFC दोनों का ज्वाइंट वेंचर है HDFC MC, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल पर, तो फाइनेंशियल भी कंपनी का देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का फाइनेंशियल, नेट प्रॉफिट है हमारा कंपनी का, यहाँ देख लीजिए नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में फिर से प्रीवियस क्वार्टर की तुलना में इंक्रीज हो गया है, देख सकते हैं प्रॉफिट। वहीं बात करते हैं सेल्स का, तो सेल्स यहाँ पर देख लीजिए लगातार उतार चढ़ाव होता रहा है। एनुअल बेसिस पर चलते हैं कंपनी के ग्रोथ को, मतलब सेल्स में ग्रोथ को देख सकते हैं। तो सेल्स में ग्रोथ देख लीजिए, 2016 में मात्र प्रॉफिट जो था 8,000 करोड़ के आसपास था, जो कि 17,000 करोड़ हो चुका है। सेल्स यहाँ पर 53,000 करोड़ था, जो कि बढ़कर के हो गया 1,00,000 करोड़ का सेल्स, तो सेल्स काफ़ी इंप्रूव हुआ है, और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो भी काफ़ी जंप हुआ है। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी जंप हुआ है, सेल्स भी काफ़ी जंप हुआ है, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं ये सारी की सारी। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट देखते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास है मात्र 346 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस है 1,26,000 करोड़ का। तो रिजर्व सरप्लस देखते हैं कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप हाउसिंग फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी है, तो ऐसे कंपनियां क्या करती है, इंटरेस्ट पर मतलब जो प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो इसके पास डेट तो होगा ही, तो डेट है कंपनी के ऊपर देख सकते हैं। तो ऐसे कंपनी के ऊपर डेट तो होगा ही, लेकिन आपको बिजनेस देखना है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट है, सेल्स है कैसा है, इन सब चीज़ों को देखना है। तो ऐसे कंपनी के पास डेट तो आपको देखने मिलेगा ही, और कैश और इक्विवेलेंट की बात करें तो 5,000 करोड़ से ऊपर का कैश और कैश इक्विवेलेंट है कंपनी के पास। तो सारी चीज़ें जो है काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छे ग्रुप की कंपनी है, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लेवल्स और टारगेट भी मैंने बता दिया, तो नीचे का जो सपोर्ट है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आपको स्टॉप लॉस अपना जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा, अगर आप भी करेंट प्राइस पर लेते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए कितना का, 1900 का। ऐसे वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, दूसरे दिन रेड कैंडल बनाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि स्टॉक ऊपर मोमेंटम दिखाता है या नीचे गिरावट आता है। इस बात का जरूर वेट करें कि स्टॉक का मोमेंटम ऊपर होगा या नीचे की ओर होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें, फिर आप इसका जो सपोर्ट होगा उस पर स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर नीचे के प्राइस पर लेते हैं तो आपको 1750 स्टॉप लॉस होगा, अगर नीचे के प्राइस पर यहाँ पर मिलता है कभी तो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।